अभी जितना भी दीदी आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सभी से मेरा बस एक ही मिनती है, बाहर जाते समय अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाओ, अगर कोई दरिंदा आपको हाथ लगाने का कोशिश करता है ना, तो उनके हाथ काट के जमीन में फेंक दे, और काटने से पहले दूसरे बार सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का कानून कुछ भी नहीं कर सकता, तो करना है तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1947 जब भारत स्वाधीन हुआ था, वो भी अंग्रेजों के हाथ से। लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या सच में भारत स्वाधीन हुआ था? दोस्तों बहुत सारे भारत माँ के संतानों ने मिलकर, जैसे कि खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाघा जतीन जैसे बहुत से फ्रीडम फाइटर ने मिलकर देश को स्वाधीन किए थे, वो भी ब्रिटिशों के हाथ से। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण से वो लोग जिंदा होते, अपने आंखों से देखते कि जिस भारत को बचाने के लिए अपने खून पसीना बहा दिए, उसी भारत के अंदर कुछ ऐसा भी कमीना लोग है जो ब्रिटिश से भी बदतर काम कर रहा है, तो क्या आज वो लोग खुश होते? आप लोग खुद ही विचार कीजिए दोस्तों। मैं किसी यूट्यूबर के बारे में बुरा तो नहीं बताना चाहता, लेकिन एक यूट्यूबर ने बताया कि अगर मैं लड़का होता शायद मैं जिंदा होता। क्यों? वो लड़की है तो जिंदा नहीं रह सकती। क्यों कोई लड़की अकेला घूम नहीं सकती? क्यों दोस्तों एक लड़की पूरा दिन काम करके चैन की नींद नहीं सो सकती? क्या वो उसका गलती है? अरे ऐसे बदतर मौत तो उन इंसानों को देना चाहिए जिन्होंने इस काम को किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सारे राक्षसों को मार दिया। अरे किधर मारा? सारे राक्षस तो इधर ही है। अगर वो राक्षस नहीं होता तो क्या ऐसा काम कर सकता था? और ऐसे ही राक्षसों को मारने के लिए कोई भगवान अवतार लेके आने वाला नहीं है, हमें इस राक्षसों को मारना पड़ेगा। दोस्तों क्यों एक इंसान मरने के बाद ही हम लोगों को एहसास होता है कि वो इंसान का काम सारे अच्छे थे? जिंदा रहते उस इंसान को क्यों हम लोग पहचान नहीं पाते? जब तक दोस्तों अभय दीदी के मृत्यु के कारण उन लोगों को सजा नहीं मिल जाता, मैं शांत नहीं बैठूंगा।